हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा से ही हर इंसान की खूबसूरत बनने की चाह रही है। इस बात को सुनकर आप सभी के मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि क्या खूबसूरत दिखना जरूरी है? क्या खूबसूरती ही एक इंसान की पहचान होती है? इन सब बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, काश तुम खूबसूरत होते। यह सुनकर चाणक्य बोले, राजन, किसी भी इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। यह सुनकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, क्या तुम कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो जहां गुण के सामने रूप छोटा रह गया हो? चाणक्य ने कहा, राजन, मुझे कुछ समय दीजिए। कुछ समय बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सामने दो गिलास पेश किए जो पानी से भरे हुए थे। चाणक्य ने उन गिलास के पानी को बारी बारी से पीने की विनती की। चंद्रगुप्त ने दोनों गिलास के पानी को पी लिया। इसके बाद चाणक्य ने पूछा, आपको कौन से गिलास का पानी अच्छा लगा? चंद्रगुप्त ने कहा, मुझे दूसरे गिलास का पानी अच्छा लगा। यह सुनकर चाणक्य बोले, पहले गिलास का पानी सोने के घड़े का था और दूसरे गिलास का पानी मिट्टी के घड़े का था। अब आप ही सोचिए, वह सोने का घड़ा किस काम का जो प्यास न बुझा सके? मटकी भले ही कितनी कुरूप हो, लेकिन प्यास मटकी के पानी से ही बुझती है। इसलिए रूप नहीं गुण महान होते हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं होती बल्कि उसके अंदर मौजूद गुणों से होती है। इंसान के गुण ही उसे पूजने योग्य बनाते हैं। किसी भी इंसान का रूप कुछ समय के लिए ही रहता है, लेकिन इंसान के गुण हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। इसलिए रूपवान बनने की कोशिश मत करो, इसके बजाय गुणवान बनने की कोशिश करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है। आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।